गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस वीडियो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस सेल वॉल। सो नाउ वी विल बी मूविंग टू द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, द सेल ऑर्गेनेलीज। दिस इज क्लास 11th बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 2। सो वी हैव डिस्कस्ड सेल मेम्ब्रेन्स, द स्ट्रक्चर्स, द ट्रांसपोर्ट थ्रू द मेम्ब्रेन्स। सेल वॉल ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। The plant cell wall is made of cellulose. Fungi cell wall is made of chitin. And prokaryotic cell wall is made up of peptidoglycan and lipids. Endomembrane systems, among eukaryote, there are many cell organelles that are membrane bound. So eukaryotes mein bahut sare cell organelle hoti hain jo membrane bound hoti hain, जिनमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी देखा जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन का सिस्टम जो बना हुआ है। अमंग यूकेरियोट देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन सिमिलर टू दैट ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट आर डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल। और मेम्ब्रेन से बाउंड होंगी तो वो अपना स्ट्रक्चर फंक्शन क्या करेंगी, सेपरेट करेंगी एनवायरमेंट से, एंड यही उनका फंक्शन होता है, तभी वो कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं मेम्ब्रेन्स। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक साथ वर्क करता है एज अ यूनिट। मेम्ब्रेन माउंट सिस्टम ही होता है ये, मेम्ब्रेन से पूरा कवर्ड होता है। और ये कुछ ऑर्गेनली होती हैं जो अंदर विद इन द सिस्टम्स वर्क कर रही हैं, बिकॉज दे फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है एक दूसरे से। एक काम करेगा तभी दूसरे को काम मिलेगा, उनका फंक्शन सबका कोऑर्डिनेटेड है। इट कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट आर वर्क टुगेदर इन अ प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। इट्स प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इनसाइड द सेल। और वहां पर उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट सब सब्सटेंसेस का, लिपिड्स का रिस्पेक्टिव उनके लोकेशन के सेल के अंदर होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूम। जैसे सेलुलोज का फाइबर है मैक्रोफाइब्रिल, मैक्रोफाइब्रिल में माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, और फिर सेलुलोज दिया हुआ है कि सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स के रिपीटिंग बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बना है। और काइटिन का स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से मिलके बना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ग्लूकोज की चेन में थर्ड पोजीशन पे एन एसिटाइल ग्रुप लगा जा लगता लगता है हर ग्लूकोज के अंदर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का रिपीटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि काइटिन होता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको सेल वॉल के यहाँ दिए गए हैं इन बिटवीन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बट ये टॉपिक रिलेटेड ऊपर से थे सेल वॉल से। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले आता है। ये पहला मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि आफ्टर जस्ट आफ्टर द न्यूक्लियस होता है। एंडोमेम्ब्रेन एंडोप्लाज्म
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन क्लोज ट्यूब्यूल्स का, जिसमें सिस्टरने होते हैं। उनके अंदर के स्ट्रक्चर को सिस्टरने बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के पास है, गोल्जी अपैरेटस। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। और ये यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज होती है, डायनेमिक होती है, स्ट्रक्चर में कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। कैल्शियम स्टोरेज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे दो तरह की होती है, रफ ईआर और स्मूद ईआर। तो रफ ईआर के अंदर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर के राइबोसोम्स लगा रखे हैं इसके ऊपर। एंड इसके अंदर आरएनए से प्रोटीन बनता है एंड देन गोल्जी में चला जाता है। इन 1960 पायनियरिंग वर्क ऑफ जॉर्ज वैलेडे एंड कोलीग्स डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ ईआर इन द प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग, दैट दे रिवील दैट इंटायर पाथवे ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन विच इज एज फॉलोज। तो उन्होंने, जॉर्ज पैलेडे ने, सिक्रेटरी पाथवे भी बताया प्रोटीन का, कि ईआर, रफ ईआर प्रोटीन बनाती है और उसे पैकेट्स में भेजती है सिस फेस के पास गोल्जी के, और गोल्जी उन्हें मॉडिफाई करके ट्रांसफेस से रिलीज करा देती है सिक्रेटरी वेसाइकल्स के अंदर, और सेल्स के बाहर वो चले जाते हैं। तो ये सिक्रेटरी पाथवे है कि पहले रफ ईआर से प्रोटीन बनेगा, देन गोल्जी अपैरेटस में जाएगा, गोल्जी अपैरेटस से सिक्रेटरी वेसिकल में जाएगा और पैक होके, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये रफ ईआर है, रफ ईआर से पहले प्रोटीन बना, ये रेड कलर का माइनो एसिड से प्रोटीन बना, सिस फेस के अंदर फ्यूज हुआ। सिस फेस से वो धीरे धीरे एरोज आपको दिख रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहा है, और फिर लास्ट में ट्रांस फेस में वो से निकला पैक होके, और यहाँ पर इसने सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज कर लिया अपने आप को। तो प्रोटीन का सिक्रेटरी पाथवे है ये। यहाँ पर इससे ये भी पता चलता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक साथ वेल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। अब रफ ईआर की बात अगर करें, रफ ईआर डिस्टिंग्विश है स्मूद ईआर से, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स हैं एंड सिस्टोलिक सरफेस पे राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज हैं, इनके ऊपर प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स सिंथेसाइज ऑन द फ्री राइबोसोम्स आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। प्रोटीन जो बनते हैं उसके अंदर, वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज होते हैं, दे डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, और इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस में भेजा जाता है। क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम टू बी यूज्ड विद इन द सेल्स, और इनको वहां पर ऑर्गेनेल ही भेजा जाता है जहां इन्हें यूज होना है। इन केस ऑफ बाउंड राइबोसोम्स आफ्टर इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द राइबोसोम्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज ट्रांसफर टू अ रिसेप्टर और ईआर इन द यूकैरियोट। और अगर इसे राइबोसोम्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ट्रांसफर करेंगे तो रिसेप्टर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे और ईआर के थ्रू ये ट्रांसफर होगा यूकैरियोट्स में। एंड द नेसेंट प्रोटीन अंडर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम इंसर्टेड इनटू ईआर, और ईआर में ये ट्रांस इंसर्ट हो जाता है। दीस प्रोटीन्स में बी इधर रिटेन द ईआर और ट्रांसपोर्टेड टू डेस्टिनेशन, और ये प्रोटीन या तो ईआर में रहेंगे या तो गोल्जी के थ्रू सिक्रेटरी पाथवे में चले जाएंगे। ईआर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रैफिकिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन टू गोल्जी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद इन द यूकैरियोटिक सेल। ईआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि गोल्जी अपैरेटस में कौन से प्रोटीन भेजने हैं, लाइसोसोम्स में कौन से भेजने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद इन यूकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन्स भेजने हैं। साइटोसोल से बन रहा है एमआरएनए, आप देख रहे हो राइबोसोम पे लगा हुआ है, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू प्रोटीन बनाकर भेज रहा है, और अब वो गोल्जी में जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकता है, एंडोसोम्स में जा सकता है। एंड द प्रोटीन कैन ऑल्सो गो इन द When it is formed from the ribosome, it can also go in the other organelle like my nucleus में, it can go directly to the nucleus. It can go directly to chloroplast, mitochondria and peroxisome. तो तब उसको गोल्जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो प्रोटीन को सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू भेजना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड भेजना है, तो वो गोल्जी के थ्रू जाएगा, और अगर उसे ऑर्गेनेलीज में भेजना है तो डायरेक्टली ऑर्गेनेलीज में पहुंचता है वो। उसके सिग्नल पेप्टाइड लगा रहता है, और वो सिग्नल पेप्टाइड उसे हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल में जाने के लिए। एंडोसोम्स, लाइसोसोम्स इनमें जाना है तो वो
सिक्रेटरी पाथवे के थ्रू जाएगा। एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज मेंशन अर्लियर राइबोसोम इस पे नहीं होते हैं, इसकी सरफेस स्मूथ होती है। इट मेनली इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, में इन्वॉल्व होती है लिपिड्स को ये डाइजेस्ट करवाती है। एज अ लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन साइटोसोल, क्योंकि लिपिड हाइड्रोफोबिक है वो साइटोप्लाज्म में तो सिंथेसाइज हो नहीं सकते, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लिपिड्स आर, ज्यादातर लिपिड्स स्मूथ का आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते। एंड रफ पे आप डायग्राम देखोगे, देर आर लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स, एंड इसमें लिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं इन द एसीआर एंड ट्रांसपोर्टेड, और ट्रांसपोर्ट भी हो रहे हैं टू द देयर रिस्पेक्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पे उन्हें जाना है वो लिपिड्स को भी भेजती है एसीआर ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू। फॉस्फोलिपिड्स वन क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड भी यही बनाती है जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं, डिराइव फ्रॉम ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से ही बनते हैं। इट इज सिंथेसाइज टेक प्लेस ऑन द आउटर साइड ऑफ द साइटोसोलिक साइड ऑफ द एसीआर मेम्ब्रेन। एसीआर इज ऑल्सो एसेंशियल साइट फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, एसीआर में कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। अब तीसरा पार्ट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का है वो गोल्जी अपैरेटस है, कैमिलियो गोल्जी ने इसे 1893 में देखा था। गोल्जी अपैरेटस इज डार्क स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर द सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के पास गोल्जी अपैरेटस एक डार्क स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क जैसा आप देख रहे हो उसका डायग्राम। इसकी तरह पैकेट्स बहुत सारे सिस स्पेस ल्यूमेन, और अंदर की जगह को ल्यूमेन बोलते हैं पैकेट्स के, और दूसरी तरफ सिक्रिटरी वेसिकल है ट्रांसफेज की तरफ। ट्रांसफेज आप देख रहे हो कॉनकेव है, एक तरफ बडिंग वेसिकल्स बाहर निकलते हुए उससे दिख रहे हैं, और सिस फेस कॉन के अंदर बडिंग वेसिकल्स अंदर आते हुए दिखते हैं, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इसके अंदर की तरफ होते हैं। सिस्टर ने इनकी बीच की जगह है, जो सिस्टर ने इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन द गोल्जी सैक ऑफ द गोल्जी अपैरेटस, एंड ल्यूमन इज द स्पेस इन द सिस्टर ने। द गोल्जी अपैरेटस डार्क स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर है लोकेटेड है न्यूक्लियस के पास, दिस इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन अदर सेल टाइप्स एंड नेमली गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक दैट लुक लाइक स्टैक पाउचेस कॉल्ड सिस्टर्न, एक के ऊपर एक रखे हुए पाउचेस की तरह लगते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्न प्रेजेंट इन अ स्टैक, अलग अलग नंबर हो सकते हैं सिस्टर्न के। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ईच सिस्टर्न इन द स्टैक सेपरेट्स इट्स इंटरनल कंपोनेंट, हर एक स्टैक एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है कंपोजिशन में, एंड स्पेस साइटोसोल से वो इंटरनल्स उसकी सेपरेट स्पेस है। द गोल्जी सिस्टर्न आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास अरेंज रहते हैं ये, सिस स्पेस के पास रहते हैं। एंड विद दिस में तीन ही पार्ट आते हैं, गोल्जी अपैरेटस ईआर, और भी लाइजोसोम्स भी इसके अंदर आते हैं, वैक्यूल्स लाइजोसोम्स आल्सो कम इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वी विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो। सो सिस फेस में ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स शिप होते हैं, गोल्जी एक ट्रांसपोर्ट स्टेशन की तरह भी काम करती है। जो सिस फेस आपका फॉर्मिंग फेज होता है, ट्रांस फेज आपका मैच्योरिंग फेज होता है, एंड सिस फेज सिस्टर्न ने नियरेस्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और द फॉर्मिंग फेज ट्रांस फेज सिस्टर्न ने अवे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर फेजेस है ट्रांस फेज कहते हैं, ये मैच्योरिंग फेज होता है। गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म करती है पैकेजिंग का फंक्शन, एंड ये मटेरियल्स को जो भी बनाए हैं ईआर में बने हैं इसने से मॉडिफाई किया, उन्हें पैक करके सिक्रीशन के लिए तैयार करती है शिपिंग डिपार्टमेंट की तरह।
ट्रांसपोर्ट वेसिकल मूव्स मटेरियल फ्रॉम द ईआर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स. मटेरियल्स टू बी सिक्रेटेड मूव फ्रॉम ईआर टू द गोल्जी अपैरेटस ड्यूरिंग विच वेसिकल्स आर बडेड ऑफ फ्रॉम द ईआर. ईआर से बड ऑफ होकर निकलते रहते हैं मटेरियल्स और वेसिकल्स ट्रेवल करते हैं गोल्जी अपैरेटस में और फ्यूज हो जाते हैं सी स्पेस से. ट्रांसफेज गिव राइज टू द वेसिकल्स दैट पिंच ऑफ एंड ट्रेवल टू द अदर साइड. तो ट्रांसफेज भी ऐसे वेसिकल्स को निकालता है जो कि दूसरी जगह पर जाना है, जिन वेसिकल्स को दूसरी ऑर्गेनली में जाना है. दीज वेसिकल कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं जाकर, क्योंकि इन्हें या तो दूसरी ऑर्गेनली में जाना होगा. एंड नाउ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मेम्ब्रेन रिलीजिंग देयर कंटेंट्स आउटसाइड द सेल्स. मेम्ब्रेन का वर्क ये भी है कि वो बाहर जिस ऑर्गेनली को प्रोटीन भेजना है उसको भेजे. प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम्स ऑफ द आरईआर आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्न ऑफ द गोल्जी के सिस्टर्न में स्पेसीज में प्रोटीन मॉडिफाई भी किए जाते हैं. एंड देन जब वो रिलीज हो जाते हैं ट्रांसफेज, तो उससे पहले वो मॉडिफाई हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक टाइप शुगर एड होनी है अगर किसी प्रोटीन पे बिफोर देयर रिलीज, तो वो गोल्जी का वर्क है उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करना. तो प्रोटीन के ऊपर अगर कोई शुगर लगनी है, अटैच होनी है, तो दैट विल बी अटैच्ड बाय द गोल्जी. सो दैट इज द वर्क ऑफ गोल्जी टू डू द मॉडिफिकेशन. तो प्रोटीन जो कि आरईआर में जो प्रोटीन बने हैं, सिंथेसाइज हुए हैं जो आरईआर में प्रोटीन, वो मॉडिफाई होते हैं सिस्टर्न ऑफ द गोल्जी में. ये इम्पोर्टेंट लाइन है. बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज, जब वो ट्रांसफेज से निकले उससे पहले वो मॉडिफाई करती है गोल्जी उनको सिस्टर्न ऑफ गोल्जी में. कुछ ऐसी एंजाइम होती हैं जो उन प्रोटीन्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल शुगर जोड़नी थी, अटैच करनी थी प्रोटीन के ऊपर बिफोर दे आर रिलीज. तो गोल्जी अपैरेटस इज अ सेंट्रल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली फॉर द ट्रैफिकिंग एंड द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन. मॉडिफिकेशन करना हो प्रोटीन का या लिपिड का किसी सेल में, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाना हो, उन्हें ग्लाइकोलिपिड बनाना हो लिपिड्स के ऊपर जिनके ऊपर ग्लूकोज लगे हुए हैं, तो वो यहीं बनेंगे. दे आर द इम्पोर्टेंट साइट्स. तो गोल्जी बॉडी में ये फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन का. देन नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, लाइजोसोम्स भी हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. लाइजोसोम छोटे स्फेरिकल्स वेसिकल्स हैं जो 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से बाउंड होते हैं. एंड ब्रेकिंग अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये ब्रैक्रो मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज इनके अंदर ऐसी इंजाइम्स होती हैं जो किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ सकती हैं. स्पेशल वेसल्स हैं एनिमल सेल्स के एंड सम अदर यूकेरियोट्स आर परफॉर्म्ड ईदर फ्रॉम द गोल्जी अपैरेटस और डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये या तो गोल्जी अपैरेटस से बनते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं. लाइजोमल एंजाइम्स शो ऑप्टिमल एक्टिविटी इन द एसिडिक पीएच. एसिडिक पीएच में ये सारी एंजाइम्स काम करती हैं. दस एसिड हाइड्रोलाइसिस नाम दिया गया है इन एंजाइम्स को, क्योंकि ये एसिडिक पीएच में काम करती हैं. तो लाइजोसोमल एंजाइम्स आर एसिडिक एक्टिविटी, एसिड चाहिए उनको. तो लाइजोसोम अपने अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करके रखते हैं, क्योंकि उनकी इंजाइम्स को वर्क करने के लिए एसिड हाइड्रोलाइसिस नाम है उनका, और एसिड की प्रेजेंस में ही वर्क करते हैं. तो वो डाइजेशन के लिए काम आते हैं. लाइजोसोम्स क्लीनिंग ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं. जो डैमेज मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कोई प्रोटीन गलत बन गए या फिर कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ज्यादा बन गए, तो वो और इवन अगर कोई एनिमल सेल कुछ फूड इंजेस्ट करता है फूड वैक्यूल के अंदर, तो लाइजोसोम उनसे फ्यूज होके उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट. तो बिकॉज लाइजोसोम के अंदर कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम होती है, प्रोटीन फैट ब्रेकिंग सारी एंजाइम्स उनके अंदर होती है हाइड्रोलाइसिस की. तो लाइजोसोम के अंदर जो भी चीज जाती है वो डाइजेस्ट हो जाती है. एंड लाइजोसोम कैरी आउट इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इन अ वेराइटी ऑफ सर्कमस्टेंसेज. सेल के अंदर की चीजों का डाइजेशन भी लाइजोसोम कर लेते हैं. दे ऑल्सो यूज हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स टू रिसाइकल सेल्स ऑर्गेनिक मटेरियल. ये अपने हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स को यूज करके रिसाइकल भी करते हैं अपने खुद के ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रोसेस. इसे कहते हैं ऑटोफेगी. सेल कंटिन्यूसली अपने आप को क्योंकि रिन्यू करता रहता है. टे सैक डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें ब्रेन इम्पेयर हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड. लिपिड ज्यादा उसके सेल्स में भर जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम.
क्योंकि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम ही इनएक्टिवेट हो जाती है। तो टे सैक डिजीज में लिपिड डाइजेस्ट नहीं होता और वो ब्रेन में भरता जाता है। ये एक एग्जाम्पल है आपका लाइसोसोम की इनएक्टिविटी का। वैक्यूल्स ये लास्ट मेंबर है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनली। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनली है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट फंगी एंड सम एनिमल सेल्स। ये फंगस सेल्स में प्लांट सेल्स में मिलते हैं, एनिमल सेल्स में भी मिलते हैं। स्मॉल साइज के वैक्यूल्स। टर्म वैक्यूल मीन्स एम्प्टी। इट कम्स फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मॉर्फोलॉजी एंड लैक ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटीरियल। ये क्योंकि हॉलो ऑर्गेनली होती है मेम्ब्रेन बाउंड और इसके अंदर स्टोरेज का काम ये करती है, तो इसीलिए इसको वैक्यूल बोला, क्योंकि वैक्यूल का मीनिंग ही एम्प्टी होता है। इसकी मॉर्फोलॉजी ऐसी है, इसके अंदर कोई जेल जैसा साइटोप्लाज्म नहीं होता। ये रिसाइकलिंग के लिए भी काम करते हैं। मेजर फंक्शन इनका है साइटोप्लाज्म को, फंक्शन इज द स्टोरेज स्ट्रक्चरल एंड सपोर्ट एंड रिसाइकलिंग। ये वैक्यूल्स का मेन फंक्शन होता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने ईआर पढ़ लिया, दोनों तरह की, रफ ईआर स्मूथ ईआर। देन हमने गोल्जी अपैरेटस पढ़ा, आपको डायग्राम के साथ पढ़ा। देन हमने लाइसोसोम्स पढ़े एंड लैब वैक्यूल्स पढ़े। अब वैक्यूल्स में लार्ज नंबर साइज में डिफरेंट हो सकते हैं। वैक्यूल्स नंबर द साइज ऑफ वैक्यूल डिपेंड ऑन द वेरिंग द प्लांट में कितने वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल में। यंग होने पर यंग सेल होता है तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, और जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होता है तो एक सारे छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं, जो 90% स्पेस साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम का घेरता है। सेंट्रल वैक्यूल में वाटर होता है, सेल सैप होता है, सॉलिड इंक्लूजन होते हैं। तो आप देख रहे हो कैसे वैक्यूल सेल सैप रख रहा है, इंक्लूजन रख रहा है, मेटाबोलाइट्स रख रहा है अपने अंदर। अदर टाइप ऑफ वैक्यूल फाउंड इन प्लांट सेल आर लाइटिक वैक्यूल। कुछ लाइटिक वैक्यूल होते हैं, कुछ प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल्स होते हैं पीएसवीज, एंड कुछ स्टोरेज वैक्यूल्स होते हैं। द वैक्यूल्स आर ऑल्सो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। प्लांट में वैक्यूल्स तो कवर जो करती है मेम्ब्रेन, उन्हें टोनोप्लास्ट बोलते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल इज स्टोरेज। मेजर फंक्शन स्टोरेज है, मेंटेनिंग सेल टर्गर एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल ड्यूरिंग बायोटिक स्ट्रेस। किसी भी तरह के बायोटिक स्ट्रेस में वैक्यूल्स ही प्लांट सेल को बचाते हैं। फंगल वैक्यूल्स हाउएवर कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स होते हैं, परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन फंगल वैक्यूल करते हैं, लाइक स्टोरेज, हेल्पिंग इन डिग्रेडेटिव प्रोसेस, प्लेइंग रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनिंग इंट्रासेलुलर पीएच। ये सब भी मेंटेन करते हैं फंगल वैक्यूल। द फूड वैक्यूल हेल्प इन इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प इन द रोल इन द एक्सक्रीशन इन द एनिमल्स। एनिमल में ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का रोल प्ले करवाते हैं वैक्यूल्स एंड प्रोटिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल अमीबा किस तरह फूड वैक्यूल में अपना फूड लेता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से वेस्ट रिलीज करवाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनलीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड उसका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे। एंड देर आर सम अदर ऑर्गेनलीज विच आर लेफ्ट आफ्टर द माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स ऑल्सो वी विल बी स्टडिंग। तो आज हमारा ये वाला वीडियो तो सिर्फ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स के ऊपर था, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्जी अपैरेटस पढ़ा। एंड नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी इनके ऊपर, जो अदर ऑर्गेनलीज बच गई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनलीज एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स एंड किस दैट गोल्जी अपैरेटस है। आई थिंक आपको समझ में सब आया होगा। सो आई वुड लाइक टू नाउ एंड द वीडियो हेयर। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड फॉर मोर सच वीडियोज ऑन बायोटेक्नोलॉजी क्लास 11th एंड 12th। So this channel is I have made the videos of biology. So I was thinking that कि biotechnology के ऊपर भी videos होनी चाहिए, क्योंकि biotechnology भी एक subject है CBSE में 11th 12th में। And I am a post graduate teacher of biology, PGT biology. So that's why I also started making the biotechnology videos for the students of biotechnology.
सो दैट इज माई विश फॉर यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। All the best and have a nice day, and hit the like button and share and subscribe the video. Thank you. Subscribe my channel.